अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आजकल पेपर की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको 8th क्लास के जो आपके इम्पोर्टेंट जो आपके इस्लामियात के MCQs क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आप याद कर लीजिएगा। गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों सेक्टर के हवाले से बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा, इस आपका इस्लामियात का बुक दिखाई जा रही होगी। यहाँ पे आपका बाब अव्वल है कुरान मजीद और हदीस नबी, जिसमें आपका अलीफ वाला जो चैप्टर है वो है तजमतुल कुरान। और ज़्यादातर ये हमारे पास हिफ्ज़े कुरान और तजमतुल कुरान, मतलब ये सारी आपके नाजरा पोर्शन में आती हैं। मतलब कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है कि आपका नाजरा पोर्शन के लिए एक ही दिन रखा जाता है, जिस दिन इस्लामियात का पेपर होता है उसी दिन नाजरे का पेपर होता है। और कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है कि वहाँ पर मतलब नाजरा के लिए अलग से दिन रखा जाता है। तो नाजा में आपकी यह अहादीस हयात और तमाम जो आपकी सूरतें हैं वो आ जाती हैं, जिनको आपने याद करना है। दुआएं भी उसके अलावा हैं आपकी। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें बाब दोम का चैप्टर आता है वो है मानियात और इबादात। इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट वाली क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। और लॉन्ग में आपका एक ही यहाँ पे गिवन अकीदा तकदीर, और ये आपका बहुत कम आ सकता है, मतलब ये आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और स्टूडेंट्स उसके अलावा आपके सबसे ज़्यादा ईजी वे है कि अगर आपने कोई भी चीज़ याद करनी है तो उसका चैप्टर की रीडिंग स्टार्टिंग में ही लाजमी किया करें, ताकि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है एटलीस्ट उनके आंसर्स पता हो पहले ही, मतलब रट्टा मारने से ज़्यादा आपको इस तरह अच्छे से याद हो जाया करेंगे। हमारे पास सेकंड चैप्टर आ जाता है अकीदा आखरत। अकीदा आखरत के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमारे पास है 1 वाला, उसके अलावा 3rd 4, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ये आपका लॉन्ग इम्पोर्टेंट है कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदा आखरत के अकीदा आखरत और इसके असरात को बयान करें, तो ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया खशियत इलाही। इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4। उसके अलावा हमारे पास इसमें जो लॉन्ग है ये आपके 20% है शायद आए, मतलब इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है इबादात, जिसमें आपका ज़कात और फजीलत आ जाती है, ज़कात की फजीलत और अहमियत। और इसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर्स इम्पोर्टेंट हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। उसके अलावा ये आपका लॉन्ग वाला भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका गिवन है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़कात अशर में एक तफसीली मज़मून लिखें। ज़कात के ऊपर आपका एक तफसीली मज़मून या आपका इम्पोर्टेंट आ सकता है लॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड चैप्टर है हज और इसकी आलमगीरियत, और इसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा हज का तरीका बयान करें, ये भी आपका लॉन्ग में आ सकता है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे ज़कात हज ये इस्लाम के अरकान में ये इम्पोर्टेंट आता है। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लामी इबादात के तकाजे और असरात, और इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाब सोम, जो कि है सीरत तैयबा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका अहद नबी के महावसाल, और इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 2, 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5। और आपका जो लॉन्ग है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की आलमगीरियत पर रोशनी डालते हुए दावती खतूत की अहमियत लिखें, ये आपका आ सकता है पेपर्स में, ये इंपॉर्टेंट आपका। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गज़वा खैबर। गज़वा खैबर में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 5, 3 एंड 1। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है मार्का मोता, और इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है खसाइस और शमाइल, और इसमें आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4। और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस और शमाइल पर तफसीली मज़मून लिखे। नेक्स्ट हमारे पास है एसवाए हुस्ना की अमली ज़िंदगी, और इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर आ रहा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरती तालीमात, और इसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। और नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है बाब चारम, जो के है इखलाक़ो आदाब, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है मसावात बराबरी, और इसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 2, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, इस्लामी तालीमात की रोशनी में मसावात पर तफसीली मज़मून लिखें। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाता है कुव्वत इस्लामी और इत्तेहाद मिल्ली, और इसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट वाले हैं वह हैं क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है बुरी आदात से इज्तनाब, और इसमें बदकुरमानी से परहेज़, और इसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 3, 2 एंड 5।
नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाता है हिस्सो तमा और की ममानत, और इसमें जो क्वेश्चन आंसर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हैं हमारे पास 3, 2 एंड 4, और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी आपका आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट वाला है जिसमें इसके नुकसान पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है उसने मामलात और माशरत बाब पंजम, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाता है हुकुल बाद। हुकुकुल अलबाद का जो है हमारे पास क्वेश्चन आंसर जिस इसमें इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5, और इसका जो लॉन्ग है ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है जिसमें इस्लामी तालीमात की रोशनी में मरीजों के हकूक पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया खरीदो फरोख के अहकाम और आदाब, और इसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 1, यह आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाप शिशम और इस हदायत के चश्मे और मशाहिद इस्लाम, और इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाता है हज़रत सैदना इमाम हुसैन, और इसमें आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इम्पोर्टेंट हैं वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 3 एंड 1, ये आपके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और उसके अलावा हमारे पास है सहाबा इकराम, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपका लॉन्ग भी आ सकता है। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर्स इम्पोर्टेंट वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो हैं क्वेश्चन नंबर 2, 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा जो आपका तफसीली लॉन्ग है जैसे यहाँ पर दो के बारे में पूछा गया है, हज़रत अब्दुल्ला ने हज़रत सुलेमान फारसी, तो जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आप सेकंड वाला है और ये आपका आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सूफिया इकराम आ गए, इसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर्स इम्पोर्टेंट हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5, ये आपके इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड वाला है लॉन्ग क्वेश्चन या मुजद्दद अली सानी, ये आपका इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गए उलमाए मुफक्किरीन, इसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर्स इम्पोर्टेंट वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5, और उसके अलावा जो लोग आपके आ सकते हैं वो शाह वली अल्लाह के बारे में पूछ सकता है, और उसके अलावा हमारे पास इमाम गजाली के बारे में पूछ सकते हैं, ये आपके लोग इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास फातहीन में आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5, और इसके अलावा बैत मुकद्दस पे की फतह पर जामिया नोट, ये भी आपका लॉन्ग आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बाब हफ्तन, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है इस्लामी तालीमात और असर हाजिर के तकाजे, और इसमें आपके जो हमारे पास और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5, और इसका लॉन्ग जो आपका गिवन है इस्लामी तालीमात की रोशनी में अमल बिल मारूफ नहीं अल मुनकर, ये इस पर भी नोट आपका आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ज़राए बलाग, ज़राए बलाग में जो आपके क्वेश्चन आंसर्स इम्पोर्टेंट हैं वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2, यह आपका इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग है हमारे पास क्वेश्चन इस्लामी तालीमात की रोशनी में ज़राए बलाग के आदाब, ये भी आपका आ सकता है, चाहे आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी सेक्टर हो। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस के बारे में बताया, उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।